What's up guys, welcome back to the reaction video. आज हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान मीडिया शॉक्ड एस ट्रूडो हैज टू लीव पीएम पोस्ट. तो काफी कुछ मतलब अंदर भी वो हो रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है अस्थिरता सा माहौल है. ओपोजिशन ने भाई साहब बुरी तरीके से घेर रखा है ट्रूडो को और देखते हैं अब पीएम पोस्ट बरकरार रहेगी लेकिन दोबारा आना मुश्किल है अब कैनेडा में. क्योंकि अभी हाल ही में आपने सुना होगा जो पन्नू है उनका लीडर उसने क्या भाषण दिया है. उसने ये बोला है कि जितने भी हिंदूज हैं निकल जाओ. ऐसे कैसे निकल जाओ, मतलब जो देश तुम्हारा जो देश था जो उसको छोड़ गए, जो देश तुम्हारा है नहीं उसके अंदर बैठ के तुम हक जमा रहे हो. वीडियो देखते हैं, चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करिएगा. 1 2 3 गो. जस्टिन ट्रूडो की दुर्गति अब शुरू हो चुकी है लेकिन अब लिबरल पार्टी के अंदर ही बड़े बड़े नेता ट्रूडो का इस्तीफा मांग रहे हैं. Tensions are high between India and Canada. Our next guest says that economically, Canada could have more to lose in this. Panaga aur Canadian Vazir Azam Justin Trudeau ko dehshatgard karar diya ja raha hai. Dhamkiyan di ja rahi hai ki agar Canada piche na hata to ek saal ke andar Bharat mein Canadian High Commission bachega na hi consul khana mehfooz rahega. Kaha ja raha hai ki Bharatiya submarines Canada par atomic hamle kar dengi aur jo Canada Bharat se 10,000 mil dur hai भारत वहां पर भी सर्जिकल स्ट्राइक कर देगा. उन्होंने उसमें जिक्र किया कि हाउ इंपॉर्टेंट इंडिया इज और हम इंडिया से खराब नहीं करना चाहते, हम कुछ प्रवोक नहीं करना चाहते. वो दूसरी जरा वो ही वाज ऑन अ बैक फुट राइट नाउ. दूसरा जो कनाडा जो सपोर्ट चाहता था इंटरनेशनल कम्युनिटी से वो नहीं आई. कनाडा की ख्वाहिश थी कि अमेरिका और बर्तानिया को ज्वाइंट स्टेटमेंट दे, वो उन्होंने नहीं दी. फिर वो आए, 5 कंट्रीज हैं उनकी तरफ सपोर्ट के लिए गए, उन्होंने भी कुछ सपोर्ट सही नहीं की. बिल्कुल वही रवैया अपनाया जा रहा है जो भारत एक अरसे से पाकिस्तान के साथ अपनाता रहा है और ये सब भारत की इंतहा पसंदी पॉलिसियों का नतीजा है. मगर जरा देखिए कि जो मोदी आज दोनों ममालिक को सिफारती जंग के नहज पर ले आया है वो कुछ साल पहले भारत और कनाडा के रिश्ते को एक अलजेब्रा के फॉर्मूले से किस तरीके से समझाते थे. दुनिया के अंदर कौन सा मुल्क ज्यादा मजबूत है, कनाडा या फिर हिंदुस्तान? हिंदुस्तान. कनाडा के हालात इस वक्त कोविड के बाद बहुत खराब है, इन्फ्लेशन के हवाले से, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से, यहाँ तक के ट्रकिंग इंडस्ट्री जो है कि बहुत पॉपुलर थी हमारे साउथ एशियन खासकर सिखों के जो उनके अंदर, वो लोग अपने ट्रक बेच कर घरों को छोड़कर वापस इंडिया तक जा रहे थे. यहाँ हालात इतने खराब. जय हिंद दोस्तों. दोस्तों मुठ्ठी भर खालिस्तानियों के लिए, निज्जर के लिए, जिसको भारत पूरी दुनिया में आतंकवादी प्रूफ कर चुकी है, उस निज्जर के लिए दोस्तों खालिस्तानी प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भारत से पंगा ले लिया और वो पंगा अब उन पे महंगा पड़ रहा है क्योंकि उनके ही पार्टी के लिबरल पार्टी से बिलोंग करते हैं जस्टिन ट्रूडो और उनके ही पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं और सपोर्टर हैं वो अब एक जस्टिन ट्रूडो से इस्तीफा मांग रहे हैं प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के लिए. अब कौन कहे ये 2025 में प्रधानमंत्री बनेंगे, अभी अब इनका पद जो है प्रधानमंत्री का वो हटने वाला है. दोस्तों इस समय पूरी दुनिया में कनाडा के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ है, यूएसए से लेकर फ्रांस तक या तो न्यूट्रल हो रहे हैं या तो भारत की तरफ सपोर्ट कर. दोस्तों कनाडा किसी भी दुनिया के लिए इतना अट्रैक्टिव हब नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए और अगर हम बात करें भारत की तो दुनिया की सारी कंपनियां चाह रही है कि वो भारत में अपना इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि जो रियलिटी है वो ये है कि भारत एक उभरता हुआ राइजिंग स्टार है और मार्केट की दृष्टि से देखा जाए तो चाइना को भी बीट कर करके कंपनियां भारत में आ रही. तो कनाडा की मैं अगर कहूं जैसे कि कनाडा ने बोला तो कनाडा की कोई औकात नहीं है. हालांकि कुछ लोगों को बुरा लगेगा लेकिन भाई लिटरली यही बात है, कनाडा की कोई औकात नहीं है भारत. और जो रिसेंटली अभी आज कल पोल भी रन किया गया है कि अगर आज इलेक्शन होते हैं तो उसमें जस्टिन ट्रूडो हार जाएंगे इलेक्शन. एक तो उसमें ये उसका बैकग्राउंड में बताना चाह रहा था और उसके बाद शायद उन्होंने पॉलिटिकल और ये बहुत बड़ी बात है कि एलिगेशन है कि बल्कि हमारे जो डॉक्टर जयशंकर हैं उन्होंने इसको नाम ही ये दिया था कि ये इलेक्शन के हवाले से किया जा रहा है. वोट बैंक उन्होंने इसका नाम दिया था, वोट बैंक इश्यू इसको बनाया जिसमें कुछ हकीकत लगती भी है क्योंकि इस वक्त ये जरूर सोचना होगा आपको इस चीज पे बात करने से पहले कि भारत इज अ फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी ऑन द प्लैनेट. ट्रूडो साहब ने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो थोड़ी ढीली थी. उन्होंने उसमें जिक्र किया कि हाउ इंपॉर्टेंट इंडिया इज और हम इंडिया से खराब नहीं करना चाहते, हम कुछ प्रमोट. दूसरा जो कनाडा जो सपोर्ट चाहता था इंटरनेशनल कम्युनिटी से वो नहीं आई. कनाडा की ख्वाहिश थी कि अमेरिका और बर्तानिया को ज्वाइंट स्टेटमेंट दे, वो उन्होंने नहीं दी. फिर वो आए, 5 कंट्रीज हैं उनकी तरफ सपोर्ट के लिए गए, उन्होंने भी कुछ सपोर्ट सही नहीं की. उनकी वजीरे खारजा इस वक्त यूनाइटेड नेशंस में आई, उन्होंने G7 कंट्रीज के लोगों से मिली, सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की लेकिन नहीं की, नहीं हो सकी. क्या लगता है कि आपको दुनिया के अंदर कौन सा मुल्क ज्यादा मजबूत है, कनाडा या फिर हिंदुस्तान? हिंदुस्तान. हिंदुस्तान ज्यादा मजबूत है, कनाडा इतना मजबूत नहीं लगता? नहीं. क्यों? अभी है बहुत कुछ, उधर भी कमजोरियां बहुत सी हैं. अच्छा अभी आपने खबर सुनी है कनाडा के अंदर जो खालिस्तान की जो तहरीक चलाता था, खालिस्तान का लीडर वहां पर मार दिया गया है, मरवा दिया गया है, तो उसके बरक्स
कनाडा ने कहा है कि हिंदुस्तान का बायकॉट करो, हिंदुस्तान के सामान का बायकॉट करो, लेकिन कनाडा के लोग कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का बायकॉट कर रहे हैं जो ये स्पीच दी है जिसने। क्या कहना चाहेंगे कि मजबूत है फिर हिंदुस्तान ज्यादा हुआ? हिंदुस्तान ही मजबूत है। पाकिस्तान ज्यादा मजबूत है या फिर हिंदुस्तान? नहीं, पाकिस्तान। अच्छा, हम कनाडा से भी ज्यादा मजबूत है? कनाडा से ज्यादा मजबूत नहीं हम, लेकिन इंडिया फिर हम भारत से ज्यादा मजबूत कैसे हो सकते हैं? बात चीजें हैं कुछ, मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकता यहाँ पे। करें सर, कोई इशू नहीं है, मैं कर सकता हूँ। आप कर सकते हैं, मुझे बता दें, ऑडियंस को ना बताएं। नहीं नहीं, आप करें उसको। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान मजबूत है हमसे भी ज्यादा। नहीं, हमसे ज्यादा भी है कुछ चीज़ों में, है कुछ चीज़ों में नहीं है। चीज़ों में कौन सी चीज़ों में है और कौन सी चीज़ों में नहीं है? काफ़ी चीज़ें हैं ना ऐसी, तो भाई साहब का जवाब आपके सामने ही है। उनके हालात देख लें, हमारे हालात देख लें, मतलब फाइनेंशियली तौर पर कह रहे हैं, इकोनॉमिकल तौर पर। हाँ जी, इकोनॉमी तो उनकी वाकई में बहुत स्ट्रॉन्ग है, $600 बिलियन की इकोनॉमी उनकी। आप मुझे बताएं कि इकोनॉमी के अलावा जिसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है उसकी हर चीज़ स्ट्रॉन्ग हो जाती है, एक्सटर्नल इंटरनल मामला, तो वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी ना इकोनॉमी के लिहाज से भी, तो अदर चीज़ें भी आ जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, तो ज़्यादा मजबूत ऐसे ही है। देखो मान गए अंकल के वो हमसे ज़्यादा मजबूत है, तो सर पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान का साथ दे रही है, कनाडा का साथ क्यों नहीं दे रही? कनाडा भी देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्री है, वहाँ पर भी कनाडा और अमेरिका दोनों साथ साथ भी मिलते हैं, अमेरिका भी कनाडा का साथ नहीं दे रहा, पूरी दुनिया नहीं दे रही, तो क्या वजूहत है इसकी? इसके देखें बैन अकवामी, ये काफ़ी वजूहत हो सकती है, मेरे अब नॉलेज में इतना नहीं है जितना था वो मैंने आपको बताया। क्या लगता है कि आपको कनाडा अगर आज सारे तल्लुकात हिंदुस्तान के साथ ख़त्म कर दे तो कनाडा अपना गुजारा बसर कर सकता? शायद कर सकता है, गुजारा कर सकता। हिंदुस्तान के अंदर कनाडा ने 21 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट गिर रखी है, अपनी कंपनीज खोल रखी हैं, अगर हिंदुस्तान उनका बायकॉट कर देता है तो कनाडा को फिर निकल जाना पड़ेगा, कनाडा को इंडिया के अंदर से फिर तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या ये अफोर्ड कर सकता है इंडिया? इंडिया नहीं अफोर्ड कर सकता है, लेकिन करेगा नहीं। इंडिया कनाडा कर सकता है अफोर्ड? नहीं कर सकता। फिर क्या करना पड़ेगा? माफी मांगनी पड़ेगी इंडिया जो सोचे चल रही होगी, यही देखना पड़ेगा। अंकल को पता सब कुछ है, लेकिन बस अंकल इसलिए नहीं बोल रहा, उसको डर है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट आगे सॉफ्टवेयर अपडेट ना कर जाए। मुझे ताजुब हुआ वक्त और जज्बात एकदम से जब बदले अंकल ने कि कनाडा कमजोर है इंडिया से उस तरीके से आज के टाइम पर। भैया इन्फ्लेशन देख लो, हर तरीके से इकोनॉमी इंडिया की बहुत स्ट्रांग होती जा रही है, लेकिन पाकिस्तान की बात आती तो अंकल घर पाकिस्तान वो जज्बा अलग है, उसके बारे में बात चलो बाद में करेंगे कभी। लेकिन आज के टाइम पर मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि जो ट्रूडो ने करा है वो उसके ऊपर बैकफायर हो गया। उसने सोचा था कि हवाबाजी हो जाएगी कनाडा के अंदर की बहुत स्ट्रांग लीडर है, किसी को भी आग दिखा सकता है, लेकिन उल्टा पड़ गया उसके ऊपर और बहुत मुश्किल है यहाँ से वापस आना। और एक बेनिफिट हो गया ओपोजिशन पार्टी को, मुद्दा मिल गया। और दूसरी बात वहां पर ही देखा जा रहा है कि जो वहां की जो आम जनता है जो कैनेडियन है तो उनको भी कोई वो चीज नहीं है, मतलब कि उनको भी वो भी सराह नहीं रही है वाला स्टेप। और लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा कि जो स्टेटमेंट आई थी वो तो हर जगह भैया बवाल मचा रहा कि कनाडा को अपना मान लिया, ये तो कल को आज कह रहे हैं कि हिंदू जाओ, बाद में कह रहे हैं कनाडा के जो ओरिजिनल थे वो भी जाओ, वो भी जाओ। ऐसा भी होता किस दिन आ जाएगा नाम, कनाडा का नाम चेंज हो चुका, खालिस्तान हो चुका है। चलो भैया ये भी हो जाएगा तो वही ठीक है, वहीं पर ही करो जो करना है। लेकिन एज एन इंडियन मैं कहना चाहता हूँ देश से बढ़कर कुछ नहीं है, देशभक्ति है भैया। और सीधी सी बात है इसके अंदर आप क्या होता है कि मुद्दे जो देश के अंदर महंगाई पे बात करना की चीज़ है वो एक पॉलिटिकल डिबेट होती है, वो डिप्लोमेटिक टॉपिक्स होते हैं, लेकिन जब एक देश को बांटने की बात आ जाती है, कोई अब मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी आई है हमें वोट चाहिए, ठीक है अब वोट मांगने के लिए आ रही, तो वो मुद्दों पर बात करेगी कि स्टेट में ये चीज़ अच्छी नहीं हो रही है या ये नहीं हो रही है, थोड़ी बोली स्टेट में अच्छा नहीं हो रहा तो स्टेट को अलग कंट्री बना देंगे, ये चीज़ होती है समझने वाली। अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना, मिलते हैं बड़े साथ, बाय, टेक केयर।